हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल लियोन एसे टाइम। बच्चों आपका स्वागत है चैनल में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इस टॉपिक के लिए किसी को कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो उसको सिर्फ समझदार बनने की, रैशनल बनने की। वो एक समझदार इंसान ही काफी इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि आपको पता है जैसे हमारी आज इकॉनमी की हालत है, हमारी जो सिचुएशन है COVID-19 की वजह से लोगों का पैसा नहीं है, तो कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए अपनी मेन जॉब के साथ, मैं उसके बारे में कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। व्हाट आर द प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है, वही प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग भी कुछ साइड बाय साइड अर्निंग करना शुरू करेंगे, जिससे फ्यूचर में ऐसी परेशानी ना हो, कम से कम रोटी कपड़ा रोटी तो मिल जाए। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं वीडियो बनाने की मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने बनाना जरूरी समझा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपके लिए बताना जरूरी समझूंगा। ये वीडियो कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं है, ना ही किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, बस इसीलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि आपको भी खुद पता है कि सिचुएशन ही बहुत ख़राब है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो कुछ लोग हैं, जो मजदूर है और जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए बहुत टॉपिक ज़रूरी है। जैसे किसी ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, ये बहुत बड़े बुजुर्ग कह देते हैं, जैसे घास को पिरो पिरो के रस्सी बनाई जा सकती है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मान लो कि कभी कोई संकट में हो तो घास को मोटी मोटी करके रस्सी बना सकते हैं, कि मतलब किसी की जान बचाना भी हो सकता है। वैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी की घास, अगर हम जिंदगी की घास को जोड़ दें और वो घास रस्सी बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब क्या, अगर हम जिंदगी की घास जोड़ दें। सर जिंदगी की घास क्या होता है बेटा, जिंदगी की घास का मतलब क्या होता है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम। मान लो कोई बंदा है, ए है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम उसकी मेन जॉब से 9 to 6 वाली जॉब से, अगर वो अपनी स्किल्स और अपने को दिमाग ला के अगर वो अपनी घास को बड़ी कर सकता, मतलब अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बड़ी कर सकता, 4-5 जगह और हाथ फैला सकता, तो क्या होता, आज ऐसी सिचुएशन में अगर एक काम बंद हो जाए तो दूसरा ऑन हो जाता है। तो मैं यही समझाना जरूरी समझूंगा कि आप लोगों को हमेशा एक ही चीज़ पे टिके नहीं रहना है, आप 4-5 अपने काम भी खोल सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, रस्सी बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब सिर्फ पैसे से था, मीन्स जो घास है उसको सोर्स ऑफ इनकम मान लिया जाए। बच्चों जो घास है उसको सोर्स ऑफ इनकम अगर मान लेते हैं तो हमें क्या होगा, अगर हम अपनी 4-5 सोर्स ऑफ इनकम को जोड़ दें, अगर हम अपनी मेन जॉब से कमाते हैं मान लो 20,000 रुपये, दूसरी जॉब से हम लोग कमाते हैं 5,000 रुपये, तीसरी जॉब से 3,000 रुपये, अगर हम हर जॉब से मान लो 2,000 रुपये कमाते हैं, 5 जॉब है तो 10,000 जुड़ गया। अगर मान लो उस सिचुएशन में मान लो वही जॉब अगर हमारी बहुत सहायता कर दे, मेन जॉब से बेटर है, तो क्या होगा, हमें किसी के सामने हाथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें ऐसी सिचुएशन से हम लोग लड़ सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा आप इस टॉपिक को समझिए और बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मेरा इंट्रो था, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसके बिल्कुल बाकी डीप के बारे में। डीप के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हो सके ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मैं आपके पास डाल सकूँ। क्योंकि ये ऑनलाइन सही टाइम खाली किताबों की स्टडी नहीं देता है, वो आपको लाइफ के बारे में भी स्टडी के बारे में बताता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एक घास बनी आ रही है, ये जो पहली घास है मेन जॉब की है। तो ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी मेन जॉब के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमें जो अपना मेन जॉब है उससे घर चलता है, इसको हमें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। बट मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, जैसे जैसे कोई बड़ा होता है, मान लो आज 18 साल के, 20 साल के, तो उनकी खुद की ज़रूरतें तो कम हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि वो बचपन में चॉकलेट खाते थे, बड़े होकर नहीं खाते हैं, या कुछ लोग खाते भी हैं, पर मैं जानता हूँ कि बचपन में जैसे हम फालतू खर्चा करते थे, बड़े होकर फालतू खर्चा नहीं होता है। तो बस फैमिली की इनकम, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ये बोलने लग जाते हैं कि हमारा खर्चा बढ़ने लग गया है, पर वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है तब उस पॉइंट में उनको क्या सोचना चाहिए, तो इनके सबके साथ ये क्या होता है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम होता है। अब ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ये समझने के लिए सबसे पहले देखिए स्क्रीन में लिखा हुआ है इनकम। मान लो एक कस्टमर है, एक बंदा है, ए है, उसकी इनकम है 100 रुपये और उसकी कंजम्पशन होती है 100 रुपये, और जब उसकी कंजम्पशन 100 रुपये, इनकम भी 100 रुपये, तो उसकी सेविंग कितनी होती है, बिल्कुल 0। जब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होता है, जितना हम कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग 0 होती है, उसको ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोगों के साथ होती है, जितना खर्चा होता है उससे कम उनकी इनकम होती है, या तो जितनी इनकम होती है उतना उनका खर्चा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी मेन जॉब में रहने के बाद भी कुछ सेव नहीं कर पाते और बाद में वो दुखी हो जाते हैं, यार मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस केस में वो इंसान हताश हो जाता है। तो मेरा यह मानना है कि उनको मेन जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस करना चाहिए। जो मैं ये सजेशन देता हूँ कि पहले मैं बिल्कुल नहीं मानता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि बेकार है यार, ये काम बिल्कुल बकवास है। उस काम का नाम है, जैसे आपकी स्क्रीन में आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग। देखो ज़्यादातर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि भैया बंदे जोड़ना। देखो इसमें बंदे जोड़ना नहीं होता, इट इज़ अबाउट अ मेकर चैनल,
क्योंकि रीजन क्या होता है, हम इस दुनिया में हर काम चैनल के थ्रू करते हैं। अगर मैं बात कहूँ एक ट्रेडिशनल बिजनेस की और एक इंटरनेट बिजनेस की, दोनों में फर्क है मॉडर्न बिजनेस की। तो अब देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है। हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या करते थे, हम लोग, हमारे पास कोई कस्टमर आता था, हम उससे अच्छा व्यवहार करते थे, हम उससे एक चेन बनाते थे कि भैया वो दोबारा हमारे पास आएगा ही आएगा 100%। जैसे एक देख पा रहे स्क्रीन में एक फोटो बनी आ रही है। तो हम अब इसमें क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर को खुद जरूरत होती थी, हमारे पास आता था, बट हम लोग भी अच्छा बिहेवियर करते थे। अगर हम कस्टमर से गंदा बिहेव करेंगे तो वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें हर जगह सेल्स करनी पड़ती है, दुनिया में हर बंदा सेल्स करता है। अगर मैं डॉक्टर को ले लूँ, डॉक्टर पेशेंट को सर्विस सेल कर रहा है, टीचर ले लूँ, टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को सर्विसेज सेल कर रहा है, दुकान वाला चीज़ें बेच रहा है। तो सेल्स तो हर जगह है ही है। अगर जिस इंसान को सेल करनी नहीं आती वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। कुछ नेगेटिविटी थी नेटवर्क मार्केटिंग में जिसकी वजह से मैं खुद पर्सनली इसमें इन्वॉल्व नहीं होने जाता था, बट मैंने जब देखा कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, इट इज अबाउट अ गुडविल बिजनेस। अगर आपके एक बार चेन बन गई, अगर आपके नीचे काफी बंदे लग गए और लगने के बाद अगर वो ढंग से काम कर रहे हैं एक्टिव तरीके से, देन यू कैन एबली ऑटोमेटिकली अर्न इन 1000। आप 25-30-40 हज़ार कमा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा आपके घर में BMW आ जाएगी, ऑडी आ जाएगी। मैं ये बोलूंगा अगर ऐसी सिचुएशन लाइफ में दोबारा आती है, आपको पैसे अर्न करने की कोई कमी नहीं होगी। रीजन क्या होगा, आपका एक साइड बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां से आप अच्छी खासा अर्न कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का जो मतलब होता है कि आप ये समझ सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क विच अ पीपल यूज टू मेक टू जस्ट मेक अ बॉन्ड टू अदर सो दैट दे कैन एबल टू मेक अ रोप, एक रोप बना सके। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इस एग्जांपल के साथ बिल्कुल फिट होता है। मैं ये बोल सकता हूँ जैसे हम घास को जोड़ जोड़ के रस्सी बनाते हैं, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम बंदे के जोड़ जोड़ को एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क को हम रस्सी बोलते हैं कि मैंने जब बंदों को पिरोया तो मेरा एक नेटवर्क बन गया, रस्सी बन गई। उसी तरीके से क्या होता है, तो वो मजबूत हो जाता है, हमारा नेटवर्क भी मजबूत हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है, हमारी जो घर की आर्थिक व्यवस्था होती है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। हमें 25-30-40 हज़ार भी कमा सकते हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है, जैसे सेफ शॉप हो गया, जैसे वेस्टीज हो गया, जैसे फॉर एवर लिविंग हो गया, टॉमी हो गया, MBA हो गया, ये सारी कंपनीज है, लीडिंग ब्रांड है, आप इनको भी देख सकते हैं और हज़ारों कंपनीज है, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कोई भी अगर बंदा इसमें इन्वेस्ट करता है, उससे पहले उसको स्टडी करे और समझे कंपनी कब बनी थी, कब इसमें कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट कभी अपना माइंड सेट मत बनाने कि हमें BMW लेनी है, कभी ये लेनी है। हमेशा एक लिमिटेड इनकम सोच के चलोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, धीरे धीरे अपने टारगेट्स को अचीव करोगे। मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। आप चाहे छोटी मोटी कंपनी ढूंढिए जहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सके। सो जो मेरा इस टॉपिक का मतलब था नेटवर्क मार्केटिंग बनाने का, ये था कि मैं चाहता था इसको अब करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं भी खुद कंपनी फाइंड करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा वो कंपनी बेस्ट क्यों है। अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद, एक दो महीने के बाद, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं ज्वाइन करना चाहता, पहले मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा ठीक है तभी मैं करूँगा, कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके दिखाऊंगा। मैं खुद अपनी इनकम मैंने टारगेट बना रखा है, मैं 30-35 हज़ार पे 6-7 महीने के अंदर इसमें पहुंचना चाहता हूँ। क्यों, मैं अपनी मेन जॉब को नहीं छेड़ने आता है। रीजन क्या है कि मैं मेन जॉब को छेड़ूंगा तो मेरा माइंड का साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा। मैं अपनी मेन जॉब करूंगा क्योंकि वो मेरा पैशन है, मेरे को इंटरेस्ट है उसमें करना, बट जो मैं इसको साइड बिजनेस की तरह लूंगा, हमेशा एंजॉयमेंट की तरह लूंगा। क्योंकि किसी ने कहा अगर काम हमारा फन बन जाए तो काम करने में बहुत आसानी होती है, अगर काम को बोझ समझ ले तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं इस काम को बोझ नहीं समझूंगा, मैं फन में भी लूंगा। जो हमारा आज का जो सेकंड घास है वो आपकी स्क्रीन में आ रहा है, फर्स्ट घास मैंने बना दी आपका, फर्स्ट घास का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। जो सेकंड जो घास है हमारी क्या है, वो है हमारी स्किल्स। जैसे आप देख सकते हैं कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। अब मैं ये बोलूँगा वो 24 घंटे नौकरी में तो बिजी नहीं होते, मंडे से फ्राइडे नहीं तो मंडे से सैटरडे। अगर मैं ये बात बोलूँ कि अगर कोई सिंगिंग करना अच्छा आता है, कोई कुकिंग करना अच्छा आता है, वो अपने घर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकता है। क्योंकि आज का जो टाइम है, हमारे यूट्यूब है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और आपका फेसबुक भी है। इन चारों में अपना अगर स्किल्स को पोस्ट करते रहे, अगर हम हफ्ते में 2 दिन अगर काम कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन काम कर सकते हैं, अगर अपनी स्किल्स को बढ़ा बढ़ा के, अगर हम उस काम से अगर हम एक हफ्ते में एक दिन काम करके 500 रुपये कमा सकते हैं तो हमारे महीने के 2000 रुपये हो गए, तो साल के 24000 रुपये। अगर हम उस साल के 24000 की FD करा दें तो उसको ना छेड़े, क्योंकि हमारी स्किल्स की इनकम थी, उस 24000 को FD करा दे, अगर हम उसको ऐसे हर साल के 24000 रुपये पता नहीं कब हमारी स्किल्स, हमारा टैलेंट बन जाए, हमारी मेन इनकम बन जाए, ये हमें खुद को नहीं पता होता। तो मैं यही चाहूँगा अपनी स्किल्स को बढ़ाइए और स्किल्स को पहचानिए और देखिए हम किस स्किल्स में बेस्ट है, उस स्किल्स का आप काम कर सकते हैं। सैटरडे संडे आप घर में यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे, मैं बात करूँगा, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोला है खाने को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर, वो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं मेरी लाइफ में। क्योंकि स्किल्स मींस
जो होता है कि स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब होता है अपनी एबिलिटी को बाहर निकालना और अपनी एबिलिटी को लोगों को दिखाना कि वो भी मोटिवेट हो। आप लोगों के एग्जांपल बनिए, आप लोगों की वीडियो ना देख के आप लोगों के लिए एग्जांपल बनिए, किस तरीके से आप लोगों की स्किल्स को देख रहे हैं और अपनी स्किल्स को भी पहचान रहे हैं। मेरा सेकंड घास था स्किल्स पे वर्क करिए, अपनी स्किल्स में वर्क करते करते स्किल्स का मतलब नहीं ऑफिस वाली स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, एक पर्सनल स्किल हॉबी जिसे बोलते हैं कि इसको खाना बनाना पसंद है वो वाली स्किल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम जो थर्ड हमारी घास पे चलते हैं, थर्ड जो घास है हमारी, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस क्या होता है, आपने एक जगह से माल खरीदा होलसेल में और उसको दूसरी जगह बेच दिया उसी होलसेल रेट में एक दो रुपये मार्जिन ऊपर रख के, इसको बोलेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जिसका पेशेंस नहीं है वो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर क्या होता है आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपका दिमाग लगता है। अगर आपके पास दिमाग है तो यू कैन एबल टू अर्न मिनिमम 20,000 to 30,000 इन ए ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें तीन बात का ध्यान रखना है जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है धीरे धीरे करके। सबसे पहला है कस्टमर डिमांड प्रेजेंट, कस्टमर की प्रेजेंट की डिमांड क्या है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है मार्केट प्राइस अवेलेबल, मार्केट में कितना प्राइस है और हम कितना प्राइस रखते हैं। जो तीसरा है डिमांड कब इंक्रीज हो रही है और कहाँ पर हो रही है। अगर इस तीन बात का हमें पता लग जाए, इसका मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, अगर ये बातें अगर हमें पता लग जाए देन ऑटोमेटिकली ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस हमारा बहुत हाइक जल्दी हाइक ले लेगा। अब जो हमारा चौथी घास है वो है हमारी, आजकल के यूथ को बहुत ज़्यादा पता है हमारी चौथी घास के बारे में, इसको एफिलिएट मार्केटिंग। आपने देखा होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि मान लो आप अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आपने कोई पोस्ट करते हैं, अगर आप बहुत फेमस है, क्वाइट फेमस है, आपके 10 से 12,000 फॉलोअर है, तो आप किसी अमेजोन से अमेजोन ले लिए कोई फटाफट ABCD कंपनी ले सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में देते हैं, अगर वहाँ से कोई क्लिक करके परचेज करता है कुछ परसेंट शेयर आप लोगों को मिलता है, इसको बोलते हैं क्लिक बेट, ये भी बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, लोग बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग एक और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए पैसे कमाना। तो मेरी राय में आप लोग भी करिए, क्योंकि मैं भी इस पर सोच रहा हूँ धीरे धीरे। मैं इन चारों में दो घास तो पक्का पकड़ूंगा, रीजन क्या होगा, इन दो घास को पकड़ के अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। जैसे अगर फ्यूचर में अगर COVID-19 जैसी कोई सिचुएशन आती है, भगवान करे ना आए, तो मैं उसको चुटकियों में हरा दूंगा, क्योंकि भुखमरी नहीं आने दूंगा। खाली मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, अगर काफी लोग इंडिया के अगर 151 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर हर बंदा ऐसा सोच सके तो क्या होगा कि जो गरीब है वो गरीब नहीं रहेगा, हम उनकी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आज मैं फील हताश कर रहा हूँ कि रीजन क्या है कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं यही चाहूंगा कि अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होती तो मैं भी कुछ लोगों की हेल्प कर पाता। तो मेरा यही मुद्दा है, अगर मैं चारों घास को जोड़ दूँ, जैसा आपकी स्क्रीन में आ रहा है, मेरी मेन जॉब फर्स्ट वाली घास, मेरी सेकंड जॉब है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग वाली घास, तीसरी जॉब है मेरी स्किल्स वाली घास, चौथी हमारी ड्रॉप शिपिंग वाली, पांचवी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग वाली। बाकी सब म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटा मोटा, बट ये जो पांचों घास को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरी रस्सी इतनी पक्की बन जाएगी। ऐसा तो नहीं कि सारे बिजनेस ही डूब जाएंगे आज के टाइम में, भाई कोई तो चलेगा, कोई तो खाना देगा। तो मैं यही चाहूंगा मेरे प्यारे देशवासियों से कि प्लीज़ आप इसके बारे में सोचिए और अपनी इनकम की सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए, खाली एक पे डिपेंड नहीं रहिए। क्योंकि रीज़न क्या है, आज आपको सबको बता रहा होगा कि भाई कोई किसका सगा नहीं होता, अब ये COVID-19 सिचुएशन ने ये हमें सिखा दिया। तो मैं यही चाहूँगा सब अपने अपने काम पर फोकस रहिए, स्टे घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। बस मेरा ये एम है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और कम से कम मुझे 100 लाइक तो चाहिए ही चाहिए। प्लीज़ मेरे को 100 लाइक देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे 100 लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आप करा के दें, जितना हो सके शेयर करिए।